वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हूं आपका देवर अपने यूट्यूब चैनल दी व्लॉग वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं डेरा बाबा नानक में, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं गुरु नानक साहब जी का जो गुरुद्वारा है। तो ये सारा रेनोवेट किया गया दोबारा, तो पिछले साल इसका उद्घाटन हुआ है। तो यहीं पर इसके थोड़ी सी 1-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो करतारपुर कॉरिडोर पड़ता है, तो उस साइड पर भी हम चलेंगे, तो वहाँ पर जाके देखते हैं कैसे एंट्री वगैरह होती है। तो चलिए सबसे पहले हम गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लेते हैं। तो ये गुरुद्वारा साहब गुरु नानक देव जी की जीवनी के साथ जुड़ा हुआ, तो आगे चल के हम दर्शन भी करते हैं और साथ में इस गुरुद्वारा साहब की हिस्ट्री भी देखते हैं। दोस्तों ये गुरुद्वारा साहब का इतिहास, इतिहास श्री दरबार साहब डेरा बाबा नानक, ये पंजाबी में है। मैं कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश में भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यहाँ का इतिहास पढ़ सकते हैं सारा। माता सुलक्षणी जी लंगर हाल है ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ। तो ये सामने वाली साइड पे गुरुद्वारा साहिब है, अभी भी रेनोवेट का काम चल रहा है। इस साइड पे भी भाई मर्दाना जी दीवान हाल है, यहाँ पे इनके कोई भी इवेंट वगैरह होते हैं, कोई कीर्तन दरबार वगैरह सारे यहीं पे लगते हैं। सारा गुरुद्वारा साहिब बना, ये उसका मॉडल है, ये मॉडल बनाया गया पूरा। गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग है, यहाँ पे ये हार्ट है। ये देखिए कुछ बना हुआ, यहाँ पे गुरु नानक देव जी के टाइम का ही, यहाँ पे नीचे खूह है तो यहाँ पे हट चलते थे। ये देखिए ये हट चल के फिर इनमें से पानी आता था, आज भी पानी आता है इसमें। आज भी खूह है यहाँ पे, इसमें से पानी निकलता है लेकिन नीचे चला गया पानी। ये बच्चे चला रहे हैं, चलाओ चलाओ, ये बच्चे चला रहे हैं तो, और यहाँ पे ये पानी निकल रहा है। ये देखिए ये बच्चे चला रहे हैं तो यहाँ पे पानी निकल रहा है, पानी ऊपर ही है। उस टाइम पे भी ऐसे ही पानी निकलता था। ये देखिए ये बच्चे चला रहे हैं। तो यहाँ से ये जो हर्ट हमने अभी चलाए थे उसका पानी यहाँ पे आ रहा है,
तो ये बच्चे जलपान कर रहे हैं, साथ में माथा वगैरह टेक रहे हैं। तो ये गुरु नानक साहिब के टाइम का ये हट है, वहाँ से हम चलाते थे, अभी आपने मुझे चलाते हुए देखा ही था और बच्चे भी साथ में चला रहे थे। तो ये इसकी परिक्रमा है, यहाँ पे इसके नीचे खूह है लेकिन वो बंद है, उसके जाने का नीचे रास्ता नहीं है कोई भी, सिर्फ आप हट वगैरह चला सकते हैं। तो पुराने ज़माने में जैसे पानी निकालते थे वो चीज़ है। तो ये डेरा बाबा नानक जो कि सरहद का आखिरी गांव है, तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरे 16 साल निकाले थे यहाँ पे और खेती वगैरह की थी।